नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते नमस्कार सर। नमस्ते शर्मा जी, सभ्यसाची नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मनीषा जी, देसाई साहब नमस्कार, विजय कपूर साहब नमस्कार। अच्छा, अनुपम है। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। अच्छा चलिए, आज थोड़ा स्ट्रेंथ फिर भी आई है। और क्या हाल है आप लोगों के? सब बढ़िया? एकदम बढ़िया सर। कॉपी पेन वगैरह लेके बैठे हो? नहीं बैठे आज? कॉपी पेन से लेके बैठा है सर। लेके बैठे हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है। स्कूल के दिन याद करवा दिए आपने। हाँ हाँ, थोड़ा सा स्कूल के दिन याद रखे ना, कुछ बनाए हाथ से। ऐसी चीजें हैं तो थोड़ा, जब तक अपने हाथ से कोई चीज ना बनाई जाए ना, तब तक आदमी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। नहीं है, सही है सही है। हाँ, कंप्यूटर से तो बनी बनाई मिल जाती है हम लोगों को, लेकिन हाथ से बनाना एक बहुत बड़ी कला रहती है। और एक बार हाथ से आपने बना लिया तो उसके बाद फिर आप जिंदगी भर कंप्यूटर से देखिए, फिर कौन पूछता है। एक बार बनाना सीख जाइए, उसके बाद भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर तो आप थोड़ा देख के पढ़ के फिर याद आ जाएगा आपको। बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। बेसिक नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है, कैसे इसको बनाते हैं कैसे नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वो खोल लेता हूँ उधर आपका, जिसका अष्टक वर्ग का। तो हम लोगों ने काफी कुछ तो पढ़ा था पिछली बार, शुरू किया था ना, जस्ट शुरू किया था पिछली बार। हाँ, हम लोगों ने हाँ थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल से जो लोग आज हैं वो लास्ट टाइम थे, या कोई इसमें तो बचा हुआ है? नहीं था कोई ऐसा, कोई पहली बार आया हो? हिमलता, तुम मेरे ख्याल लास्ट टाइम नहीं थी ना शायद? हाँ नहीं थी सर, मैं नहीं थी। लेकिन रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास गई थी इसकी? हाँ सर, आई थी। तो देखा था रिकॉर्डिंग? सर देखा था। हाँ, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन दिया था, कोई खास इसमें मैंने बताया नहीं था। मैंने कहा था पिछली बार, अगली बार सब लोग आ जाएंगे तभी हम लोग करेंगे। तो उसमें तो वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वो तो मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया था उसके अंदर। नहीं सर, उसमें नहीं। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम एक्चुअल शुरू करेंगे कि कैसे अष्टक वर्ग को बनाते हैं। तो मैं वैसे बस एक बार रिविजन कर देता हूँ आपका छोटा सा, जो हम लोगों ने कर दिया, जो पढ़ा दिया हम लोगों ने, कि अष्टक वर्ग क्या है। जैसे पीछे बताया था कि आठ कारकों के बीच तालमेल है, आठ ग्रहों के बीच सात ग्रह प्लस एक लगन, ऐसी उनके बीच में एक तालमेल होता है आपस में। गोचर का फलित करने की सूक्ष्म विधि है, इससे गोचर का फल करने के लिए इससे बढ़िया विधि कोई नहीं होती। गोचर में अगर आप ये फलित बिजली का ये इस विद्या का इस्तेमाल करेंगे तो आपका फलित जो होगा वो बिल्कुल सटीक होगा और एकदम सूक्ष्मता से जाएगा। और ये भी हमने पढ़ाया था कि इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, कि अष्टक वर्ग कैसे बनाते हैं, रोल ऑफ अष्टक वर्ग इन गोचर में क्या होगा, दशा प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, इससे माइन्यूट रिजल्ट कैसे निकालते हैं, कक्षा कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, एकाधिपत्य शोधन, त्रिकोण शोधन, शोध्य पिंड वगैरह क्या है, रोल ऑफ नक्षत्रा क्या है इसके अंदर, और चार्ट कैसे प्रेडिक्ट करते हैं अष्टक वर्ग के थ्रू। ये सब चीजें हम लोग पूरे आने वाले समय में, जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, वो भी करेंगे। और बीच बीच में उससे भी आगे चीजें ऐड होती रहेंगी। ये तो मैंने जस्ट जो ध्यान में आया है मोटा मोटा वो बना दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अष्टक वर्ग में जितनी भी चीजें हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पिछली बार बताया था आपको मैंने कि अष्टक वर्ग, जैसे ग्रहों का बताया था कि चंद्रमा का हम लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ है कि चंद्रमा से मंगल तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में जाता है तो अच्छा माना जाता है, चंद्रमा से सूर्य तीसरे छठे दसवें ग्यारहवें भाव में जाता है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन चंद्रमा से सूर्य चौथे भाव में जाए तो हम क्या कहेंगे, कि हम कहेंगे बेकार हो गया। तो उसको बेकार ना होके तभी अष्टक वर्ग का रोल प्ले होता है ऐसे बीच में, कि ठीक है चंद्रमा तो उसको पसंद नहीं कर रहा लेकिन सूर्य पसंद कर रहा है, मंगल पसंद कर रहा है, गुरु पसंद कर रहा है, बुध पसंद कर रहा है, और ग्रह पसंद कर रहे हैं, तो उन ग्रहों की भी तो कुछ ना कुछ वेटेज होती है ना, होती है। तो उसी वेटेज को ध्यान में रखते हुए कि बाकी ग्रहों की वेटेज भी है, इसलिए ये अष्टक वर्ग को बनाया गया। ऑल्दो ये लिखा हुआ है कि ऋषि पाराशर ने कि जो लग्न है, जितने लग्न हैं सब में ज्यादा प्रधानता जो है चंद्र लग्न की है और चंद्रमा से ही देखा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी ग्रहों का विचार भी करना आवश्यक है कि बाकी ग्रहों से गोचर कैसा है। अगर चंद्रमा से भी गोचर खराब है, बाकी ग्रहों से भी गोचर खराब है, तब तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी गोचर बिल्कुल गड़बड़ है, हमारा काम नहीं बन पाएगा या हमारा काम नहीं होगा या दशा के रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि गोचर अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अगर गोचर अच्छा है और इसके थ्रू भी अच्छा मिल रहा है, सब ग्रहों के थ्रू भी, तो बहुत अच्छा रहता है।
तो कहने का मतलब यह है कि ये गोचर देखने का ही एक तरीका है, खाली चंद्रमा से नहीं, बाकी सभी ग्रहों से देखने का तरीका इसके अंदर दिखाया जाता है। जो मैंने आप लोगों को बताया था वो खाली चंद्रमा से बताया था, जो पढ़ाया था एडवांस के अंदर आप लोगों को, ये सब ग्रहों से गोचर कैसे देखते हैं वो इसके अंदर बताया जाएगा। इसके अंदर ये चार चीजें मेन है, भिन्नाष्टक वर्ग, कक्षा कंसेप्ट, सर्वाष्टक वर्ग, शोध्य पिंड। भिन्नाष्टक वर्ग जो होता है वो हर ग्रह का अलग अलग होता है, कक्षा कंसेप्ट भी आगे पढ़ाऊंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। सर्वाष्टक वर्ग जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों के जो भिन्नाष्टक वर्ग होते हैं उनके नंबर जोड़ने के बाद सर्वाष्टक ग्रह बनता है। और शोध्य पिंड हम सर्वाष्टक ग्रह से निकालते हैं या भिन्नाष्टक वर्ग से निकालते हैं, जो कि हमारे बाकी आयु निर्धारण में और बाकी चीजों में, मैरिज निर्धारण में, जो भी हमारी दशा का निर्धारण या गोचर का निर्धारण है उसमें काम में ये सब चीजें आती हैं। सबसे पहली टेबल देखिए, ये टेबल है आप लोगों को डिफरेंट क्लासिकल बुक्स के अंदर या बुक्स में डिफरेंट मिल जाएंगी, वैसे आपके पास ही आएगा तो आप इसके अंदर भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये लिखा है ग्रहों के शुभ बिंदु की सारणी। सूर्य ये क्या कहता है? ये कहता है कि सूर्य ये जो है आपके इधर जो दिखाई दे रहा है आपको, जो ग्रह लिखे हुए हैं यहाँ पे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लगन जो लिखे हुए हैं, ये आपके हैं जन्मकालीन, कि जन्म के समय आपका सूर्य कहाँ पर है। और ये जो सूर्य की हम बात कर रहे हैं ये है सूर्य गोचर का। जन्म के समय सूर्य हो सकता है मेष में, लेकिन आज के दिन सूर्य हो सकता है 8 नंबर राशि में हो या 9 नंबर राशि में हो। तो गोचर का सूर्य अलग है, जन्म के समय अलग है। तो ये ग्रह हमने जन्म के समय दिए हुए हैं कि जन्म के समय ये ग्रह कहाँ कहाँ है, किस राशि में है, वो आपको ध्यान रखना है कि जन्म के समय किस ग्रह राशि में है। तो आपको ये देखना है कि जन्म के समय सूर्य जिस राशि में है, जन्म के समय सूर्य जिस राशि में है, गोचर का सूर्य उससे पहले दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, नवें, दसवें और ग्यारहवें भाव में अच्छा होता है। यानी सूर्य अगर मेष राशि में है, सूर्य अगर मेष राशि में है तो गोचर के सूर्य को जन्मकालीन सूर्य ही बोलता है कि तुम मेरे साथ आके बैठ जाओ, या मुझसे एक आगे राशि में चले जाओ, या मुझसे 2 राशि में आगे चले जाओ, या 7 नंबर राशि में चले जाओ तो मुझे प्रसन्नता होगी। जन्मकालीन सूर्य से सूर्य का गोचर ये बताया गया है कि जन्मकालीन सूर्य से ही सूर्य का गोचर क्या है, ये देख इसके अंदर बताई गई है। ये टेबल जो है ये डिफरेंट ग्रहों की है, ये सूर्य के गोचर में बात कर रही है कि सूर्य का गोचर को कौन कौन ग्रह पसंद करते हैं, कौन कौन ग्रह पसंद नहीं करते हैं जहां वो जन्म कुंडली में बैठे हैं। और सूर्य तो कहीं ना कहीं चल रहा होगा, सूर्य कभी 4 नंबर राशि में आ रहा होगा, कभी 5 नंबर राशि में आ रहा होगा, कभी 6 नंबर राशि में आ रहा होगा, तो सूर्य तो कहीं ना कहीं चल रहा होगा। तो जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं वो सूर्य के गोचर को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं, जिस जिस राशि में बैठे हुए हैं, चाहे जिस राशि में बैठे हुए, वो सूर्य के इस गोचर को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो डिपेंड करता है इन पॉइंट्स के ऊपर। तो सूर्य जन्मकालीन सूर्य गोचर के सूर्य से कहता है कि तुम अगर जहां मैं बैठा हूं, जिस राशि में मैं हूं, उस राशि से पहले दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, नवें, दसवें, ग्यारहवें भाव में आओगे तो आई विल बी हैप्पी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको पॉइंट दूंगा और मैं आपके आने से खुश होऊंगा, आपका गोचर मुझे अच्छा लगेगा, आपके आने से मुझे प्रसन्नता होगी। चंद्रमा ये कहता है, जन्मकालीन चंद्रमा जिस राशि में चंद्रमा जन्म के समय बैठा हुआ है, गोचर के सूर्य से ये बोलता है कि तुम जहां मैं बैठा हूं वहां से तीसरे, छठे, दसवें और ग्यारहवें भाव में आओगे तो मुझे तुम्हारे आने से प्रसन्नता होगी, उसके अलावा किसी और भाव से आओगे तो मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगा, आ जाओ तुम्हारी मर्जी है लेकिन मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगा, ये चंद्रमा बोलता है। मंगल बोलता है कि जहां मैं बैठा हूं वहां तुम्हें यानी सूर्य को उस स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, नवें, दसवें, ग्यारहवें स्थान पर तुम अगर आओगे तो तुमको पॉइंट दूंगा। तो इस तरीके से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, लगन, ये लगन भी हमने इसके अंदर लिया है, 8 कारक हमने लिए थे, 7 ग्रह और 1 कारक लगन ले लिया, राहु केतु इसके अंदर नहीं लेते हैं अष्टक वर्ग के अंदर। आल्दो शंभु होरा प्रकाश के अंदर राहु का अष्टक वर्ग का भी कुछ उल्लेख है और किसी किताब में नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको वो राहु का अष्टक वर्ग भी बता दूंगा, लेकिन उसको केवल एक सीखने के पर्पज से याद रखिए, उसको इस्तेमाल मत कीजिए, इस्तेमाल आपको यही सूर्य से लेके शनि तक के अष्टक वर्गों का ही इस्तेमाल करना है और इसके अलावा कोई अष्टक वर्ग का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब शुक्र है, शुक्र के आगे 6, 7, 12 लिखा हुआ है,
तो अजय शर्मा जी इस बात से क्या समझ रहे हैं आप कि शुक्र का 6-7 बार लिखा हुआ है, ये क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब ये है सर कि जन्मकालीन शुक्र से जब गोचर का शुक्र 6ठे 7वें और 12वें में रहेगा तो वो समय उसके लिए अच्छा रहेगा, शुक्र के दृष्टि से वो ठीक है, उसको नंबर अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन है कि जन्मकालीन शुक्र से सूर्य का गोचर, अच्छा ये सारी टेबल सूर्य की चल रही है, सॉरी हाँ सूर्य शुक्र से सूर्य का गोचर 6ठे 7वें 12वें में रहेगा तो वो अच्छा माना जाएगा, वो अच्छा माना जाएगा, शुक्र उससे हैप्पी होगा, शुक्र उससे प्रसन्न होगा कि भाई तुम यहाँ आए हो, मुझे खुशी है, मैं तुम्हें पॉइंट देता हूँ जी। तो इस तरीके से टोटल मिला के 48 पॉइंट मिलते हैं सूर्य के अष्टकवत में, यानी सूर्य गोचर में टोटल मिला के 48 पॉइंट होते हैं, यानी ग्रह कुल मिला के 48 पॉइंट देते हैं। टोटल पॉइंट कितने हो गए बताइए कोई? 48 हो गए ना सर। नहीं 48 तो ये टोटल अभी हुए, मतलब टोटल पॉइंट अगर सब लोग सभी पॉइंट देते 12 के 12 पॉइंट देते तो कितने हो जाते? 96 पॉइंट हो जाते, 96 हो जाते। अगर सूर्य भी कहता कि मैं तुम्हें पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, जो भी मेरे भाव में तुम आओगे गोचर में मैं तुम्हें पॉइंट दूंगा, या चंद्रमा भी कहता कि भाई जिस भी भाव में तुम आओ मैं तुम्हें पॉइंट दूंगा, मंगल भी कहता जिस भी पॉइंट में तुम आओ 12 के 12 भावों में मैं तुम्हें पॉइंट दूंगा, तो फिर तो 96 पॉइंट हो जाते ना, 96 पॉइंट हो जाते। लेकिन सारे ग्रह 96 पॉइंट पे ना रख के उन्होंने कहा कि नहीं भैया 96 जगह नहीं, हम 48 जगह तुमको अच्छे पॉइंट देंगे। अब वो 48 जगह कौन सा ग्रह कितने पॉइंट दे रहा है वो डिपेंड करता है कि सूर्य कितनी जगह दे रहा है, चंद्रमा कितनी जगह दे रहा है, मंगल कितनी जगह दे रहा है, या बुध कितनी जगह दे रहा है। तो टोटल मिला के 48 पॉइंट हो गए सूर्य के अष्टक वर्ग में। ये समझ में आया यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ सर। सर लग्न का कैसे आएगा सूर्य से? मतलब ये तो माना कि सूर्य से गोचर का सूर्य, गोचर का चंद्र, हाँ तो लग्न को कैसे, मतलब जन्म कुंडली में जहां पे लग्न है वहां से सूर्य गोचर, जन्म कुंडली में जहां लग्न है जिस राशि में लग्न है वहां से सूर्य किस राशि में आएगा, 3 नंबर राशि में आएगा, 4 नंबर राशि, 3 नंबर भाव में, 4 नंबर भाव में, 6 नंबर भाव में आएगा, जहां पे लग्न है जिस राशि में उस राशि। मान लो कन्या लग्न है, हाँ तो वहां से तीसरा भाव, चौथा भाव, छठा भाव में सूर्य आएगा। हाँ, वहां पे सूर्य आएगा तो लगन को प्रसन्नता होगी, लगन कहेगा भाई मैं तुम्हें पॉइंट देता हूँ, ठीक है। देखिए लगन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगन क्या है? लगन बेसिकली सेल्फ है, जातक है, स्वयं है आप। तो लगन अगर पॉइंट आपको दे रहा है और चंद्रमा पॉइंट आपको अगर दे रहा है और दो एक दो ग्रह और पॉइंट दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका गोचर सही चल रहा है। अभी मैं बताऊंगा आगे वो सारे गोचर हम लोग देखेंगे। तो जब हम देखते हैं ना कि हमारी अंतरदशा चल रही है, कोई किसी की, हर किसी ना किसी कोई ना कोई अंतरदशा चल रही होगी, हर किसी कोई ना कोई की दशा चल रही होगी, तो अपनी दशा और अंतरदशा को चेक करके देखें कि भाई अंतरदशा को गोचर में चेक करिए कि अंतरदशा में गोचर अष्टक वर्ग में कितना पॉइंट तुम्हें मिले हुए हैं। अगर तुम्हारी सूर्य की अंतरदशा चल रही है तो सूर्य के अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट मिले हुए हैं, अगर तुम्हारी चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है तो चंद्रमा के अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट मिले हुए हैं। तो सर ये सिर्फ अंतरदशा नाथ है उसी को देखना है या महादशा नाथ भी? महादशा नाथ भी देख सकते हो, अंतरदशा नाथ देख सकते हो, प्रत्यंतर दशा नाथ देख सकते हो, जो भी जिससे आपको रिजल्ट निकालना हो आप वो सब चीजें इसके अंदर देख सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, हाँ इससे आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर टोटल मिला के 48 पॉइंट सूर्य को मिलते हैं, यानी 96 पॉइंट में से सूर्य के गोचर को 50% पसंद किया जाता है कि भाई हम तुम 48 जगह पे आओगे तो तुमको हम पॉइंट देंगे। इसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा को टोटल 49 पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देसाई साहब बताइए, सूर्य के आगे 3, 6, 7, 8, 10, 11 लिखा हुआ है, क्या मतलब हुआ? अनम्यूट कर लीजिए। चंद्र से जन्मकालीन, हाँ। चंद्र से सूर्य का गोचर, नहीं नहीं जन्मकालीन सूर्य से, ये जो साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट जो है, ये सारा जन्मकालीन है। अच्छा, तो चंद्र गोचर का चंद्र, ये गोचर का चंद्र हो गया जो ऊपर लिखा हुआ है, जैसे पीछे वाली इसमें लिखा था गोचर का सूर्य था ऊपर जो लिखा हुआ है। ओके ओके, ये गोचर का चंद्रमा है। अब हम चंद्रमा के गोचर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम चंद्रमा के अष्टक वर्ग की बात कर रहे हैं। ओके ठीक है, वहां तो वहां हमने सूर्य का गोचर देखा, मतलब नहीं तो जन्मकालीन चंद्र हुआ ना, चंद्र का गोचर यानी जन्मकालीन सूर्य से चंद्रमा इन इन स्थानों पे अगर आए
तो सूर्य सूर्य पसंद को करता है, प्रसन्नता। ओके सूर्य को प्रसन्नता होती है, ठीक है, ये पॉइंट है इसके अंदर। तो ये चीजें याद रखनी है कि जनकालीन चंद्रमा को, मतलब जनकालीन सूर्य से चंद्रमा इन इन स्थानों पे आता है, तो सूर्य कहता है ठीक है तुम इन स्थानों पर आ जाओ, मैं तुम्हारे गोचर को, तुम्हारे यहाँ आने को बुराई नहीं करूंगा, पॉइंट दूंगा। सारा दशाओं में जितना भी खेल है वो सब पॉइंट्स का है, अंतर दशा में, दशा में कितने पॉइंट मिले, कितने पॉइंट नहीं मिले, किसी को एक पॉइंट मिला है तो समझो बड़ा मामला खराब है उसका, किसी को 0 पॉइंट मिला है तो समझो उसका तो पीरियड बड़ा ही गड़बड़ है, किसी को 4 मिले हैं पॉइंट तो थोड़ा अच्छा पीरियड है। वो कौन से पॉइंट अच्छे होते हैं, कितने पॉइंट बुरे होते हैं, वो हमारा आगे भी आएगा जो हम देखेंगे। अब मनीषा जी ये जो नीचे लिखा हुआ है चंद्रमा 1, 3, 6, 7, 10, 11, इससे क्या मतलब है? सर जो सूर्य के नीचे लिखा हुआ है, हाँ चंद्रमा, और ये कि जनकालीन चंद्रमा से गोचर में चंद्रमा किस नंबर पे होगा, मतलब इन सब नंबर भाव में आने पे पहले तीसरे छठे सातवें दसवें ग्यारहवें पे चंद्रमा प्रसन्न होगा, चंद्रमा प्रसन्न होगा मतलब जनकालीन चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा इन भावों में आ जाए, इन भावों में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से गुरु से 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12 लिखा है। सब्यसाची जी इससे क्या समझ रहे हो आप? सर जन्मकालीन गुरु से चंद्रमा अगर 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12 में आएगा तो परिणाम अच्छा रहेगा। हाँ परिणाम अच्छा रहेगा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। हेमलता यहाँ तक क्लियर हुआ? जी सर। हाँ अच्छा, ये तो हुआ चंद्र का, इसी प्रकार से हमारा आता है फिर मंगल का। अच्छा यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि सूर्य ने टोटल मिला के आपको 48 पॉइंट दिए थे, टोटल 48 पॉइंट है सूर्य के, यानी सूर्य के गोचर को 48 पॉइंट मिलते हैं, चंद्रमा के गोचर को 49 पॉइंट मिलते हैं, मतलब कोई एक ग्रह एक और फालतू पॉइंट दे रहा है, चंद्रमा को थोड़ा पॉइंट मिल गए 96 से आउट ऑफ 96 49 पॉइंट मिल गए उसको, तो ये एक अच्छा चंद्रमा पे बढ़िया हुआ कि चंद्रमा गोचर को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अब मंगल देखिए, मंगल को 39 पॉइंट मिले हैं खाली, इसका मतलब मंगल गोचर को लोग कम पसंद करते हैं बाकी ग्रह, क्योंकि 39 पॉइंट मिले हैं खाली इसको। सूरज से 9 कम मिले हैं, चंद्रमा से इसे 10 कम मिले हैं, तो इसका मतलब मंगल के गोचर को थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। किसी की अंतर दशा मंगल की चल रही हो बाई चांस, या दशा मंगल की चल रही हो, या प्रत्यंतर दशा मंगल की चल रही हो, तो गोचर में चेक करें तो उससे गोचर को नॉर्मली डिफरेंट ग्रह पॉइंट देने से थोड़ा कतराते हैं कि मंगल से प्रसन्नता नहीं होती। अब जैसे सूर्य का 3, 5, 6, 10, 11 लिखा हुआ है, तो ये इधर जन्मकालीन है उधर मंगल है, तो जन्मकालीन सूर्य से मंगल तीसरे पांचवें छठे दसवें ग्यारहवें भाव में आएगा तो सूर्य को प्रसन्नता होगी। जन्मकालीन चंद्रमा से मंगल तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में आएगा तो चंद्रमा को प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और लगन से, जो जन्मकालीन लगन है उससे मंगल पहले तीसरे छठे दसवें ग्यारहवें भाव में आएगा। जन्मकालीन लगन जिस राशि में लगन पड़ रहा है उस राशि से पहले तीसरे छठे दसवें ग्यारहवें भाव में मंगल आएगा तो लगन को प्रसन्नता होगी। लगन कहेगा मेरी साइड से तुमको एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ये मंगल का हुआ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, इसी प्रकार से बुध का गोचर होता है, बुध का देखिए ये बुध का है, इसी प्रकार से बुध में 54 पॉइंट्स हैं, यानी बुध के गोचर को काफी ग्रह पसंद करते हैं, मतलब ग्रह ज्यादा पसंद करते हैं, काफी ग्रह नहीं, ग्रह तो उतने ही हैं, टोटल 8 ही हैं, 8 ही ग्रह मिलके 49 पॉइंट दे रहे हैं, 8 ही ग्रह मिलके 39 पॉइंट दे रहे हैं, 8 ही ग्रह मिलके 48 पॉइंट दे रहे हैं, और 8 ही ग्रह मिलके 54 पॉइंट दे रहे हैं। तो यहाँ चंद्रमा बुध के गोचर को थोड़ा ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि भाई बुध के आने से ग्रहों को ज्यादातर खुशी होती है कि बुध गोचर में आके हमारे आसपास बैठेगा तो खुशी होगी। अब इसमें हेमलता जी इसका पहले का क्या अर्थ है, सूर्य के आगे 5, 6, 9, 11, 12 लिखा हुआ है? सर जन्म का सूर्य से बुध का गोचर 5, 6, 9, 11, 12 में आता है तो सूर्य खुश होता है। सर सूर्य खुश होता है, वेरी नाइस। तो ये इसके अंदर यहाँ तक आप समझ गए, तो ये बुध का हो गया गोचर इस तरीके से कि चंद्रमा जनकालीन चंद्रमा से बुध का गोचर अगर दूसरे छठे चौथे छठे आठवें दसवें ग्यारहवें भाव में होगा तो चंद्रमा प्रसन्न होगा। लगन से पहले दूसरे चौथे छठे आठवें दसवें ग्यारहवें भाव में बुध का गोचर होगा तो लगन प्रसन्न होगा। तो ये बहुत जरूरी है इसके अंदर ध्यान रखना कि कौन सा ग्रह इसमें 54 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब 54 पॉइंट्स मिलते हैं तो अब इसमें मैं एक पॉइंट्स में क्यों बता रहा हूं ये अंदर कि देखिए टोटल मिला के आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल सकते हैं कितने, 7 ग्रह हैं, एक लगन है, 8 पॉइंट टोटल मिल सकते हैं आपको मैक्सिमम जो पॉइंट है आपको
एक जगह 8 पॉइंट मिल सकते हैं, क्योंकि 7 ग्रह हैं, एक लगन है, सारे ग्रह पॉइंट दे दें, एक लगन ही पॉइंट दे दें तो 8 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसमें 54 पॉइंट्स मिले हैं, तो यहाँ मतलब 54 को अगर 8 से हम लोग डिवाइड करें तो ये करीब 6 के आसपास, 7 के आसपास करीब आता है फिगर ये वाली। यानी बुध के गोचर में नॉर्मल 5-6 पॉइंट तो होने चाहिए, तो आदमी कहता है कि हाँ बुध का गोचर ठीक है, अगर इससे नीचे पॉइंट है तो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन शनि के गोचर में अगर 5-6 पॉइंट किसी के आते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है वो 5-6 पॉइंट, क्योंकि उसको 39 पॉइंट ही मिलते हैं टोटल मिला के, और 39 को 8 से डिवाइड करो तो आपका 4 पॉइंट समथिंग आता है, 5 भी नहीं आता पूरा। तो वो डिपेंड करता है कि किसमें कितने पॉइंट मिलेंगे। अब इसमें आइए आप इसके अंदर गुरु का, सेम चीज गुरु की है, ये भी आपको अब बताने की आवश्यकता नहीं रही, मेरे ख्याल हर किसी को समझ में आ गया है कि इसी प्रकार से जन्मकालीन सूर्य चंद्र मंगल से गुरु का गोचर कहाँ कहाँ शुभ रहता है वो इसके अंदर दिया गया है टेबल के अंदर। सिमिलरली शुक्र का गोचर दिया गया है जन्मकालीन सूर्य से, इसी प्रकार से शनि का गोचर जन्मकालीन सूर्य से शनि का गोचर। देखिए शनि के गोचर को 39 पॉइंट मिले हैं, मंगल के शनि के गोचर को ग्रह थोड़ा कम पसंद करते हैं, शनि से भी थोड़ा ग्रह कम पसंद करते हैं, मंगल के गोचर को थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो शनि को भी 39 पॉइंट मिले हैं, तो ये यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद हम लोग एक कुंडली का एग्जाम्पल लेंगे और एक अष्टक वर्ग बनाएंगे। पहले आप भी थोड़ा ट्राई कीजिएगा अष्टक वर्ग बनाने के लिए। अच्छा, उसमें करने से पहले क्या करें कि अभी तो शायद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से वो टेबल बना के लाइएगा। तो ये है कि उस टेबल जब बनी होगी ना तो आप लोग हाथों हाथ बना सकते हैं उस चीज को, तो वो ध्यान रहेगा। तो सूर्य का अष्टक वर्ग आज हम लोग बनाना सीख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो चंद्रमा का अष्टक वर्ग वगैरह, चंद्रमा मंगल 2-3 ग्रह का बना के दिखाइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सब ग्रहों के अष्टक वर्ग बनाने की जरूरत हमें नहीं है। अगर आप 2-3 बनाने भी सीख गए तो लगेगा कि हमें सीख गए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब सूर्य का अष्टक वर्ग हम लोगों को बनाना है। जैसे अब हमारे पास एक कुंडली है, ये कुंडली है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 14/11/1889 का जन्म है, 11:03 PM का टाइम है, इलाहाबाद की डेट, प्लेस ऑफ बर्थ है इलाहाबाद, और ये कुंडली है। इस कुंडली में डिफरेंट डिफरेंट ग्रह बैठे हैं डिफरेंट राशियों में, ये आप समझ रहे हैं कि सूर्य आपका 8 नंबर राशि में बैठा हुआ है, शनि आपका 5 नंबर राशि में बैठा हुआ है, मंगल 6 नंबर राशि में है, बुध बृहस्पति आपके, बुध आपका और शुक्र आपका 7 नंबर राशि में है, राहु 3 नंबर राशि में है। तो राहु केतु तो लेते नहीं, खैर हम लोग यहाँ, जुपिटर आपका 9 नंबर राशि में है, और लगन कौन सी राशि में है, 4 नंबर राशि। यहाँ कुंडली, ये इस कुंडली से अब हमें सूर्य से लेके लगन तक के अष्टक वर्ग बनाने हैं, सूर्य का अष्टक वर्ग, चंद्रमा का अष्टक वर्ग, मंगल का अष्टक। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कि एक टेबल बनाते हैं हम लोग। ये कुंडली आप लोगों ने देख ली, इस कुंडली तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, नहीं सर? अच्छा अच्छा, इस कुंडली के बाद हम चलते हैं, ये टेबल आप लोगों को बनानी है, आप बना के अपने पास रख लीजिएगा इस टेबल को। ये ऊपर राशियां लिखी हुई हैं जो साइड में है, ये राशियां हैं ऊपर, मेष वृष तुला मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, सब राशियां लिखी हैं, और ये लेफ्ट साइड में जो लिखे हुए हैं कॉलम में, ये आपके ग्रह लिखे हुए हैं, शनि गुरु मंगल सूर्य शुक्र बुध चंद्र लगन और कुल, यहाँ टोटल आ गया नीचे टोटल में लगे। अब आप ये पूछेंगे कि ये शनि से क्यों स्टार्ट किया हम लोगों ने, सूर्य से क्यों नहीं स्टार्ट किया ग्रह, या चंद्रमा से लिखना क्यों नहीं शुरू किया, इसके पीछे एक रीजन है। आपको जब कक्षा कंसेप्ट पढ़ाएंगे आगे तो उसके अंदर आपको यही चीज आएगी, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझिए कि इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जो सबसे मंदगामी ग्रह होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, उससे तेज वाला ग्रह उसके बाद में, उससे तेज उसके बाद में, उसके तेज उसके बाद में, और फिर इस तरह से चलता रहता है। तो शनि सबसे मंदगामी ग्रह है, इसलिए शनि को सबसे पहले लिखा जाता है, गुरु उससे तेज चलता है तो गुरु उसके बाद, फिर मंगल, फिर सूर्य, क्योंकि सूर्य तो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्र 2.25 दिन एक राशि में रहता है, और फिर लगन, लगन तो हर 2 घंटे में चेंज होता है, तो लगन सबसे फास्ट हो गया, इसलिए लगन सबसे बाद में आ गया। अब ये टेबल हम लोगों को बनानी है, डिफरेंट जगह हमने राशियां लिख दी हैं, ये पूरी राशियां लिखी हुई हैं हमने, मेष से लेके मीन तक राशि लिख दी है, और ये टेबल बना दिया, यहाँ पे हमने सारे ग्रह लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि हम जहां जहां हमारे ग्रह जन्म कुंडली में हैं, जैसे शनि हमारा जन्म कुंडली में किस राशि में है, सिंह राशि में,
सिंह राशि, सिंह राशि, तो हमने सिंह राशि में यहाँ पर निशान लगा लिया, ये एक निशान लगा लिया। अभी पॉइंट, ये पॉइंट्स मत जाइए इन पे भी, ये जीरो जीरो जो है ये पॉइंट्स दिए हैं इन पे भी मत जाइए। अभी सिंपल ये है कि टेबल आप शुरू में बनाएं, उस टेबल को बना के ऊपर राशि लिख लें, इधर ग्रह लिख लें, और जहां जहां वो ग्रह बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में उस जगह पे एक डॉट या कोई निशान अपना स्टार मार्क लगा लें, जिससे आपको मालूम रहे कि शनि जन्म कुंडली में इस राशि में बैठा हुआ है। क्योंकि काउंटिंग करनी पड़ेगी बार बार आपको, और काउंटिंग करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए शनि किस राशि में बैठा हुआ है, शनि इस राशि में बैठा हुआ है। उसके बाद आ गए हम लोग गुरु पे, गुरु किस राशि में बैठा हुआ है, नौ नंबर राशि में, धनु, धनु, धनु में बैठा हुआ है, और सूर्य वृश्चिक में बैठा हुआ है। तो गुरु पे आइए, तो गुरु पे नौ नंबर पे हम लोगों ने यहाँ धनु में निशान लगा दिया, सूर्य हमारा वृश्चिक राशि में बैठा है तो सूर्य पे हमने वृश्चिक राशि में निशान लगा दिया। इस तरीके से हमने यहाँ निशान लगा दिया, ठीक है, जो जिस राशि में बैठा है। अब लगन हमारा चार नंबर राशि में है तो चार नंबर राशि के नीचे कर्क के नीचे हमने यहाँ निशान लगा दिया। चंद्रमा हमारा लगन में ही बैठा हुआ है तो हमने कर्क के नीचे निशान लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो ये निशान इस तरीके से लगा देने हैं आपने टेबल बना के, लेफ्ट साइड में सारे ग्रह, राइट साइड में ऊपर जो रो है उसके अंदर आपके सारी राशियां आ जाएंगी, और फिर आपको निशान लगा देने हैं कि जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, उस राशि के आगे एक स्टार मार्क बना लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंट्स देने हैं, क्योंकि हम लोग सूर्य का अष्टक वर्ग की बात कर रहे हैं, तो सूर्य के अष्टक वर्ग पे चलेंगे हम लोग। तो सूर्य के अष्टक वर्ग पे अगर हम चलेंगे तो सूर्य का अष्टक वर्ग हमारा क्या है, सूर्य का अष्टक वर्ग हमने बताया था स्टार्टिंग में, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे, कि सूर्य जन्म का सूर्य जहां होता है वो गोचर के सूर्य को पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें नवे दसवें ग्यारहवें घर में पॉइंट देता है। जन्म का सूर्य गोचर के सूर्य को पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें नवे दसवें ग्यारहवें पॉइंट देता है। तो यहाँ का जन्म का सूर्य कहाँ है, यहाँ वृश्चिक में है। ये टेबल यहाँ आगे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये वृश्चिक में है, तो वृश्चिक में टेबल आ गई। तो गोचर का सूर्य जो होगा उसको पहला पहला हाउस, तो यही पहला पहला हो गया, दूसरा चौथा सातवां आठवां नवा दसवां और ग्यारहवां, यानी ग्यारह पॉइंट टोटल पॉइंट ये आ गए सारे यहाँ पे, आठ पॉइंट आ गए हमारे इन हाउस के अंदर पॉइंट मिल गया। इधर कोई प्रॉब्लम इधर तक समझ आई, फिर से समझाइए ना सर एक बार। ये हमारा सूर्य यहाँ बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, अब हमको पॉइंट लगाने हैं, सूर्य का अष्टक वर्ग बनाना है सूर्य गोचर का। तो सूर्य गोचर का अष्टक बनाना है तो हमने ये पॉइंट लगाया कि सूर्य का है, ये हर किसी का अलग अलग होगा। सूर्य का अष्टक वर्ग देसाई साहब का अलग होगा, अजय शर्मा जी का अलग होगा, मनीषा जी का अलग होगा, हेमलता का अलग होगा, क्योंकि सबके सूर्य अलग अलग बैठे होंगे। किसी का सूर्य सिंह में होगा, किसी का सूर्य वृश्चिक में होगा, किसी का सूर्य कहीं होगा। तो अब मान लिया ये अजय शर्मा जी का है, अजय शर्मा जी का सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो अजय शर्मा जी ने वृश्चिक राशि में निशान लगा लिया। अब सूर्य का अष्टक वर्ग बनाने के लिए कि भाई सूर्य का अष्टक वर्ग कैसे बनाएं, तो हमें ये देखना है कि सूर्य का गोचर कहाँ कहाँ अच्छा होता है जन्मकालीन राशि से, जन्मकालीन राशि से कहाँ कहाँ अच्छा होता है। मेरे ख्याल एक काम करिए, मैंने इसका फोटो ले लिया है सर, फोटो ले लिया ना सूर्य वाला, सूर्य का वो जो अष्टक वर्ग वाला जो है ना पॉइंट आपने जो दिया वो ले लिया फोटो। हाँ तो बताइए जन्मकालीन सूर्य से सूर्य गोचर कहाँ कहाँ अच्छा होता है। फर्स्ट सेकंड फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेवन एट नाइन टेन इलेवन, सात आठ नौ दस ग्यारह पूरा, सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ठीक है, ये टोटल मिला के आठ पॉइंट मिल गए, आठ ही पॉइंट दिए हुए उसके अंदर, उस फोटो के अंदर। हाँ बराबर, तो टोटल मिला के आठ पॉइंट सूर्य को यहाँ मिल गए, ठीक है। तो गोचर के सूर्य के ये पॉइंट दिखा दिए, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी सूर्य हमारा गोचर में कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है ये बात हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अभी तो हमने अष्टक वर्ग सूर्य का बना दिया। जब सूर्य गोचर में किसी राशि में होगा, मकर राशि में होगा या धनु राशि में होगा, तब कहेंगे भैया धनु राशि में सूर्य चल रहा है तो इतने पॉइंट हैं, मकर में सूर्य चल रहा है तो मेरे अष्टक वर्ग में इतने पॉइंट हैं। हर किसी के अष्टक वर्ग में अलग अलग पॉइंट होंगे, क्योंकि सबका सूर्य अलग अलग बैठा होगा, सबका चंद्रमा अलग बैठा होगा, सबके ग्रह अलग अलग बैठे होंगे, तो हर किसी के अष्टक वर्ग में अलग अलग पॉइंट होंगे। इसी प्रकार से सूर्य से गुरु का जरा बताइए, मेरे ख्याल से एक बार ऐसा कीजिए, आप मोबाइल तो सभी के पास होगा, हाँ
ये इसका फोटो सब लोग ले लीजिए एक बार, क्योंकि सूर्य का हम चाहते हैं कि बना लें। ले लिया सर सूर्य का, सूर्य का फोटो ले लिया ना? हाँ जी। हेमलता एक फोटो ले लेना सूर्य वाला, क्योंकि मैं पॉइंट पूछूंगा आप तो बता देना कहाँ कहाँ जाएंगे पॉइंट वाले, ठीक है? अनुपम? यस सर। हाँ क्लियर है अब तक, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। आपने जो ये वाली स्लाइड है इसको एक तरह से टेबल में कन्वर्ट करा है जो? हाँ हाँ हाँ, बस उतना ही है, उतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा तो इससे अब हम सूर्य का पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया, अब हम चलते हैं आगे, सूर्य का अष्टक वर्ग कंप्लीट करते हैं। अभी तो हमने केवल सूर्य का बनाया हुआ है इस राशि से, कि सूर्य हमारा सिंह वृश्चिक राशि में है, सूर्य हमारा वृश्चिक राशि में है तो वृश्चिक राशि से हमने पॉइंट लगा दिए। अब चलते हैं हम लोग शनि पे, सबसे पहले शनि लेंगे क्योंकि शनि सबसे पहले लिखा हुआ है। तो शनि हमारा किस राशि में है? सिंह राशि, सिंह राशि में, तो सिंह पे स्टार लगाया हुआ है। अब शनि कहाँ कहाँ गोचर के सूर्य को कहाँ कहाँ पॉइंट देगा? जन्मकालीन शनि गोचर के सूर्य से कहाँ कहाँ खुश होता है? पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां। ठीक है, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये आठ पॉइंट इसके अंदर आ गए, बन के आ गए। अच्छा अब मंगल का बताइए, मंगल का अजय जी आप बताइए कि मंगल कुंडली में कहाँ पर है, कन्या राशि में? हाँ, तो कन्या राशि से पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, चौथा, सातवां, आठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, ठीक है। सूर्य गोचर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चंद्रमा का गोचर बताइए, क्या नाम है मनीषा जी आप? चंद्रमा किस राशि में है? चंद्रमा कर्क राशि में है। हाँ, और चंद्रमा से गोचर होगा तीसरा, छठा, दसवां, ग्यारहवां। तीसरा ये हो गया, हाँ, चार, पांच, छह हो गया, दसवां ये हो गया, और इधर है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, इसी प्रकार लगन से हो जाएगा, इसी प्रकार हमारा लगन से हो जाएगा टोटल मिला के, ठीक है। सभ्य साची जी समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये आपको तो वैसे आइडिया होगा पहले भी, लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा अच्छा है बेसिक से करने के लिए। ये मतलब चार्ट समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इस चार्ट को हमने इस तरीके से देख लिया। अब ये अष्टक वर्ग हमारा बन गया, अब इस अष्टक वर्ग का इस्तेमाल क्या करेंगे हम लोग? ये तो बना लिया हमने अष्टक वर्ग, खाली कॉपी पेन हमने कॉपी को काला पीला किया है या हम कुछ इस्तेमाल भी करेंगे इसका, ये भी चीज हमें सोचनी है कि भाई करना क्या है इसका, जो हमने ये सब चीजें बना ली, ये टेबल बना ली और इतना ज्यादा हमने कैलकुलेशन करके ये सब चीजें लिख दी, तो इससे निकाले क्या, इससे जिस्ट क्या निकाले हम लोग? इससे जिस्ट ये निकालेंगे कि सपोज कीजिए किसी की सूर्य की अंतर दशा है, मान लीजिए ये अष्टक वर्ग अजय शर्मा जी का है, ये अजय शर्मा जी की कुंडली से ये अष्टक वर्ग बना हुआ है उन्हीं कुंडली के हिसाब से, और उनकी सूर्य की दशा है। अब मैंने कहा था, पढ़ाया था आपको एडवांस के अंदर, कि जिसकी अंतर दशा हो, जिसकी प्रत्यंतर दशा हो, एटलीस्ट गोचर में उसको जरूर चेक करना चाहिए, जितनी दशा नाथ वगैरह हैं उनको गोचर में जरूर चेक करो कि वो कहाँ चल रहे हैं। अब अंतर दशा अगर सूर्य की है आपकी, और सूर्य गोचर में, देखा आपने कि आपका सूर्य मकर राशि में है गोचर में, जिस समय आप चेक कर रहे हो सूर्य की दशा चल रही है, और जिस समय आप अपनी कुंडली देख रहे हो आपने देखा भाई सूर्य तो इस वक्त मकर राशि में है, तो आप फटाफट यहाँ जाइए मकर राशि में, मकर राशि में देखना आपने जीरो पॉइंट मिला हुआ है आपको, तो पॉइंट तो सूर्य के रिजल्ट आपको कहां से मिलेंगे? आपको सूर्य के रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे क्योंकि पॉइंट ही जीरो मिला हुआ है वहां पे। मतलब सूर्य का गोचर मकर राशि में किसी को भी पसंद नहीं है, किसी ग्रह को? नहीं 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 नहीं, ये आपका ऐसा नहीं है, आपकी कुंडली के हिसाब से अलग अलग, क्योंकि सूर्य आपका वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। अच्छा हाँ, मेरी कुंडली के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से, मतलब अगर ये आपकी कुंडली मान ली जाए तो इस कुंडली के हिसाब से यहाँ पर मकर राशि प्रबंध है, अदरवाइज किसी का हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। वो तो किसी की कुंडली में ग्रह यहाँ बैठा हो सकता है जी, तो जीरो पॉइंट यही से मिल जाता सूर्य को, फिर अगर यहाँ बैठा होता सूर्य तो जी मकर से पॉइंट मिल जाता, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से मतलब आप ये चीज देखेंगे। अब इसका एक तो यूज मेन इसका है कि अंतर दशा प्रत्यंतर दशा अगर इनकी हो और आप ये सोच रहे हो बैठे हुए हो कि यार सूर्य की मेरी दशा चल रही है, सूर्य मेरा बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है,
और मुझे तो भर भर के रिजल्ट मिलने चाहिए, और रिजल्ट आ रहे हैं आपके पास, थोड़ा भर भर के नहीं आ रहे हैं, तो सिंपल सिंपल तरीके से आ रहे हैं रिजल्ट, तो आप खुद परेशान हो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो गोचर में एक बार सूर्य को चेक कर लो, हमारे पास उस गोचर में जो हमने एडवांस से पढ़ाया उसमें तरीका ये था कि सूर्य गोचर में पीड़ित तो नहीं, सूर्य गोचर में अशुभ ग्रहों से ग्रस्त तो नहीं, ऐसा करके देखते थे उसके अंदर। अष्टक वर्ग में देखेंगे सूर्य ने गोचर जिस राशि में चल रहा है उस राशि में कितने पॉइंट है, तो उस राशि में अगर जीरो पॉइंट है तो आप इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे पूरी तरीके से, क्योंकि पॉइंट ही उसके नहीं मिले वहां पर। आपका सूर्य अगर धनु राशि में चल रहा होता तो आप कहते कि हाँ यार सूर्य के रिजल्ट मुझे अच्छे मिलने वाले हैं, गोचर भी अच्छा है, तो ठीक पॉइंट मुझे मिल, ठीक रिजल्ट मुझे मिल जाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मान लो कि ये तो आपने अच्छे फल नहीं मिल रहा है तो, लेकिन हाँ। मान लो मकर राशि में है और सूर्य अच्छा फल देने वाला नहीं है सपोज किसी को, तो और विपरीत फल देगा। अच्छा, वो और विपरीत फल देगा क्योंकि गोचर के अंदर भी पॉइंट नहीं है उसको। ओके। अष्टक वर्ग के अंदर पॉइंट जितने ज्यादा होंगे उतना रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, अगर वो दशा के अंदर रिजल्ट अच्छा देने वाला भी नहीं है तो भी उसके रिजल्ट के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये तो हम मान लो कि किसी, ये तो आपने जैसे बोला कि अंतर दशा नाथ या वो उसमें हाँ, देख लीजिए हाँ। लेकिन राहु केतु की ही दशा अंतर दशा प्रत्यंतर चल रही है तो फिर कैसे देखेंगे अष्टक। हाँ मैं वो बताऊंगा, वो राहु केतु का अष्टक वर्ग होता नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको, उसका okay. हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है जो देखते हैं, लेकिन मैं राहु का अष्टक वर्ग आपको बताऊंगा आगे, आगे सिखाऊंगा उसका अष्टक वर्ग। ओके ओके ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये इसका मतलब एक क्वेश्चन है बस कि हाँ बोलो बोलो, इसका मतलब इनका जो इनको नंबर देखने हैं वो केवल जब ही देखने हैं जब उस ग्रह की दशा ही चल रही हो, तो दशा की एक्यूरेसी देखने के लिए, अदरवाइज इन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है, अगर उस ग्रह की कोई दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर नहीं चल रही तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब उस समय देखने का इतनी आवश्यकता नहीं है, दशा अंतर दशा हो और चीजों में इसकी क्या वैल्यू है वो आगे आएगी अभी, अभी एक वैल्यू तो दशा के लिए बताई है मैंने आपको। ठीक है जी, दिस इज वन ऑफ द वैल्यू कि जो दशा के लिए बताई है कि अंतर दशा चल रही हो, प्रत्यंतर चल रही हो, सूक्ष्म चल रही हो, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है नॉर्मली आदमी का। हाँ ये चलता रहता, सूक्ष्म दशा भी एक दिन की दो दिन की होती है, तो देख लो भैया कि आज के दिन सूर्य मेरा कोई पॉइंट दे रहा नहीं दे रहा मुझे, मान लिया सूर्य की दशा आपकी खराब है, अच्छे फल देने वाली नहीं है, और ऊपर से सूर्य मकर राशि में तुम्हारा चला गया किसी पर्टिकुलर दिन, तो जीरो फल वैसे हो गए वहां पर, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो वो भी ध्यान देने वाली बात होती है। अब इसमें क्या है कि ये तो था केवल अंतर्दशा नाथ के बारे में या प्रत्यंतर दशा नाथ के बारे में, कोई भी दशा नाथ के बारे में ये सूर्य का गोचर आपने देखना है इस तरीके से, सूर्य के अष्टक वर्ग का। अच्छा ये क्या चीज है, ये हमने यहां पर इसी अष्टक वर्ग से कुंडली बना ली है, ये जो इस तरह की टेबल बनती है इसको बोलते हैं प्रस्थार अष्टक वर्ग, प्रस्थार अष्टक वर्ग, इस पूरी टेबल का नाम है प्रस्थार अष्टक वर्ग, और इस टेबल से एक टेबल बनती है जिसको हम बोलते हैं भिन्नाष्टक वर्ग, ये सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग। इसमें क्या है, इस टेबल में कुछ नहीं है, इसी टेबल को रिप्रोड्यूस किया गया हुआ है इसमें। आप ये देखिए सूर्य ने सूर्य के अष्टक वर्ग में मेष राशि में कितने पॉइंट मिले हैं, कोई बताइए। छह पॉइंट मिले हैं मेष राशि में। हाँ सर ठीक है, तो मेष राशि हमारी यहां आ रही है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कुंडली के अंदर जो कुंडली दिखाई थी मैंने आपको पीछे, तो वहां पर छह पॉइंट लिख दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से आपका सूर्य का अष्टक वर्ग तैयार होगा, भिन्नाष्टक वर्ग तैयार होगा। आप अपनी कुंडली बनाएंगे, कुंडली में जो ग्रह आपके जैसे हैं वो वैसे लिखेंगे और पॉइंट्स वहां लिख देंगे आप, तो आपको ये मालूम रहेगा कि सूर्य आज तीन नंबर राशि में गोचर कर रहा है तो कितने पॉइंट हैं, ऐसे देख सकते हो आप इसको। सूर्य आज छह नंबर राशि में गोचर कर रहा है तो यहाँ कितने पॉइंट मिले हुए हैं, सूर्य की दशा चल रही है और आपके सामने ये बनी हुई है, तो इंस्टेंट के आप बार बार टेबल देखो भाई सूर्य की दशा कहाँ चल रही है, आप ये वाली टेबल देखो, आप सीधा इस कुंडली को भी देख सकते हो, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में इसी कुंडली अवेलेबल होती है, दोनों अवेलेबल है आपके पास, दोनों अवेलेबल है, तो आप ये देख सकते हो कि भाई सूर्य की दशा चल रही है और यहाँ पर इस राशि मेष राशि में छह पॉइंट मिले हैं तो बढ़िया है। सूर्य की दशा अगर खराब है तो उतने खराब रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, आपको रिजल्ट थोड़ा फिर भी बेटर मिलेंगे, उतनी बुरी तरह से रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, आपको रिजल्ट में कुछ शुभता आएगी, अशुभता उसी कम होगी। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को इसमें। हाँ पूछो ना। सर इसमें दशा के चलने की तो इतनी, क्योंकि सूर्य
हर समय किसी ना किसी उसमें चल रहा होगा किसी ना किसी राशि में, तो अगर दशा नहीं भी चल रही तो भी हम अगर ये देखना चाहते हैं कि आज की तारीख में सूर्य मेरे लिए कैसा है तो भी हम इसी बिल्कुल वो मैं वो आपको अभी आगे बताने वाला हूँ कि इसके यूज केवल इसी में नहीं है, बाकी चीजों में भी देखना आपको। तो सर सूक्ष्म दशा भी तो आएगी ना, इसलिए नहीं सूक्ष्म दशा भी है। देखिए क्या नाम है कि सूर्य जो है पिता का कारक भी है, ये हम लोग सब जानते हैं। सूर्य अगर आपकी कुंडली के अंदर पीड़ित है और मान लिया किसी टाइम पे सूर्य वैसे ही भी पीड़ित हो रहा है, गोचर में भी बहुत पीड़ित हो रहा है, तो कई बार हो सकता है कि भी प्रॉब्लम हो, फादर को समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कुछ रहेगी। सूर्य के से हम लोग कुछ मुहूर्त देखते हैं, वो मुहूर्त देखते हैं, कुछ टाइमिंग्स देखते हैं, तो वो भी सूर्य का गोचर हमें देखना पड़ेगा, अष्टावक्र को देखना पड़ेगा, भले ही आपकी दशा चल रही हो या ना चल रही हो। जैसे आगे पॉइंट इसमें आ रहा है, मैं वही पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि सूर्य के अष्टावक्र से आप क्या है। जैसे सूर्य के अष्टावक्र में किसी की भी कुंडली में आप ये देखिएगा कि सूर्य तीसरे, छठे, दसवें और ग्यारहवें भाव में हो, सूर्य तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें भाव में हो और अपने भिन्नाष्टक वर्ग में अधिक बिंदु के साथ हो। अधिक बिंदु मीन्स के पांच बिंदु कम से कम हो, क्योंकि सूर्य टोटल मिलाकर 48 पॉइंट देता है तो पांच बिंदु कम से कम होने चाहिए, तो पांच बिंदु के साथ कम से कम हो तो ऐसे आदमी की तरक्की निश्चित है। आपको आईएएस और आईपीएस की पत्रिका में आपको ये देखने को नॉर्मली मिलेगा कि सूर्य उनके तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें भाव में घुसा है और उनके भिन्नाष्टक वर्ग में भी अधिक बिंदु होते हैं। या सूर्य का नॉर्मल वैसे ही किसी आईपीएस की पत्रिका आप देख रहे हैं, किसी आईएएस की पत्रिका आप देख रहे हैं, आईपीएस की पत्रिका देख रहे हैं, तो मंगल आप देखते हैं नॉर्मली कि भाई मंगल कैसा है इसका कुंडली के अंदर, तो मंगल का अष्टावक्र भी चेक कर लीजिए कि मंगल ने अपने अष्टावक्र में कितने पॉइंट दे रखे हैं, तो वहां भी मालूम पड़ जाता है आपको मंगल जो गोचर में चल रहा है कितने पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको मालूम चल जाता है। तो ये सूर्य का भिन्नाष्टावक्र यानी तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें भाव में, आल दो जो कुंडली यहाँ पे मैंने दिखाई है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उसके अंदर तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें भाव में सूर्य नहीं है। इसमें सूर्य तीसरे, छठे, दसवें, ग्यारहवें भाव में नहीं है, पांचवें भाव में सूर्य है। लेकिन अगर यहाँ छठे भाव में सूर्य होता और पांच नंबर यहाँ पर होते तो तरक्की निश्चित थी, बहुत निश्चित थी। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सूर्य यहाँ पर है तो इस भाव से कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरा, छठा, दसवां, ग्यारहवां भाव में सूर्य हो किसी कुंडली के अंदर और उसके अंदर पांच या पांच से अधिक पॉइंट हो तो ऐसे आदमी की उन्नति निश्चित होती है। सूर्य की भिन्नाष्टक और उसकी भाग्यदायक दिशा, अब आप जैसे अजय जी पूछ रहे थे कि सूर्य का यूज दशा के अलावा आपने कहाँ करना है, एक तो यहाँ इस्तेमाल करना है, दूसरा इस्तेमाल करना है कि आपको देखना है कि आपकी भाग्यदायक दिशा कौन सी है, आप किस दिशा में कोई काम स्टार्ट करें या किस दिशा में जाएं जिससे कि आपको अच्छे फल मिले, वो दिशा देखनी बहुत जरूरी होती है, भाग्य दिशा आपकी। तो उसमें क्या है कि हमारी चार तरह की दिशाएं होती हैं, दिशाओं को चार भागों में हमने डिवाइड किया हुआ है, अग्नि राशि, पृथ्वी राशि, वायु राशि और जल राशि, हमारी चार तरह की राशियां होती है। ये राशियां सबको याद है या सब भूल गए? याद है, याद है। अच्छा, तो ये देखिए, ये सब छोटे छोटे फंडामेंटल सब चीज याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। राशियों की दिशाएं क्या है, राशियां कौन सी अग्नि है, कौन सी पृथ्वी है, तो एक, पांच, नौ जो हमारी है वो अग्नि राशि है, दो, छह, दस हमारी पृथ्वी राशि है, तीन, सात, ग्यारह, पांच हमारी वायु राशि है और चार, आठ, बारह हमारी जल राशि है। इसी प्रकार से एक, पांच, नौ को हम पूर्व दिशा बोलते हैं, दो, छह, दस को हम दक्षिण दिशा बोलते हैं, तीन, सात, ग्यारह को हम पश्चिम दिशा बोलते हैं, चार, आठ, बारह को उत्तर दिशा बोलते हैं। अब इसमें क्या है, सपोज करो कोई आदमी अपनी भाग्यदायक दिशा देखना चाहता है कि यार मैं कहाँ नौकरी करूं या मैं कहाँ जाऊं कि मुझे सक्सेस मिले, या मैं अपना बिजनेस कहाँ किस दिशा में सेटल करूं कि मुझे सक्सेस मिले, अपने घर से अगर कहीं बाहर भी बिजनेस कर रहा है या कहीं नौकरी के लिए जा रहा है, तो उस केस में ये देखिए कि आपका पहला, पांचवा, नवा नंबर राशि जो है आपके भिन्नाष्टक वर्ग में, कौन सा भिन्नाष्टक वर्ग है आपका, ये भिन्नाष्टक वर्ग, इसके पहले, पांचवे और नवे राशि में, यानी पहले राशि ये हो गई आपकी, पांचवी राशि कौन सी हो गई आपकी, ये राशि हो गई आपकी, और नवी राशि कौन सी आपकी हो गई, ये नवी राशि हो गई। तो पहली, पांचवी और नवी राशि में जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का टोटल कर लीजिए, पहली, पांचवी और नौवीं राशि में वो पॉइंट का टोटल कर लीजिए, वो टोटल दिखाएंगे आपके पूर्व दिशा को। उसी प्रकार से दूसरी, छठी और दसवीं राशि में पॉइंट्स का टोटल कर लीजिए, वो पॉइंट दिशा दिखाएंगे आपको दक्षिण। तीन, सात, ग्यारह में टोटल कर लीजिए, वो दिशा दिखाएंगे आपको पश्चिम। और चार, आठ, बारह में टोटल कर लीजिए, वो दिशा दिखाएंगे आपको उत्तर। अब जिस दिशा में अधिक पॉइंट आपके हों
देखिए एक आध का डिफरेंस हो, एक दो का डिफरेंस हो तो आप उसको तो भूल जाइए, कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप टोटल मिला के पांच सात तीन चार का डिफरेंस आता है, तीन चार पांच का डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस को सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो, उसको हमें लेना है। तो उस केस में यू कैन वेरी वेल डिसाइड कि यार हमारे लिए ये दशा अच्छी है, हमारी जो पूर्व दिशा की राशियां हैं 1, 5, 9 उन राशियों में ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं बनिस्पत 3, 7, 11 से या 4, 8, 12 से या 2, 6, 10 से। सबसे ज्यादा हमारे 1, 5, 9 नंबर राशि में पॉइंट आ रहे हैं, तो हमको पूर्व दिशा चुननी चाहिए। ईस्टर्न साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो हमें फायदा। सेकंड हमारे लिए भाग्यदायक दिशा जो होगी वो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट वाली होगी। ये मतलब हम लोग इससे एक चीज ये भी चेक कर लेते हैं कि कौन सी दिशा हमारे लिए अच्छी होती है, ये सूर्य से हम लोग इसका पता लगा लेते हैं भाग्यदायक दिशा का। सर ये जो आपने दिशा वाला बताया, हाँ, पूरी लाइफ के लिए फिक्स हो गया है? पूरी लाइफ के लिए फिक्स हो गया आपके भिन्नाष्टक से। पूरी लाइफ के लिए आपके भिन्नाष्टक से फिक्स हो गया, जो आपका भिन्नाष्टक बना उससे फिक्स हो गया आपका। बाकी तो अंतर दिशा में गोचर देखते रहना है। मतलब सर इस डायरेक्शन में अगर आप किसी काम के लिए जाएंगे तो वो आपका फेवरेबल हो सकता है, फेवरेबल होगा, या इस दिशा में कोई आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। ठीक है, जैसे लोग नॉर्मली पूछते हैं ना आपसे कि यार मैं नौकरी कहाँ करूँ, मैं किस दिशा में नौकरी करूँ जाके, कहाँ मुझे ज्यादा फायदा होगा, तो आप कह सकते हैं अपना सूर्य का अष्टावक्र दिखा भैया, तू सूर्य का अष्टावक्र देखो उसका, और राशियों में पॉइंट चेक करो कि 1, 5, 9 में ज्यादा है, 2, 6, 10 में ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, और उसको बोल सकते हो कि भाई ये दिशा तेरे लिए सुटेबल है, ज्यादा ज्यादा ये दिशा नहीं, तो एक सेकंड दिशा भी बोल सकते हो, सेकंड हाईएस्ट वाली, कि ये दो दिशाएं तेरे लिए अच्छी हैं, इनमें जाएगा तो तेरी सक्सेस होगी, बाकी का हमें कुछ पता नहीं। सर ये ये जो दिशा है वो अपने जन्म स्थल से देखनी है ना? जन्म स्थल से देखनी है अपने जन्म स्थान से, जहां आपका जन्म स्थान है, प्लेस ऑफ बर्थ से आपकी दिशा। तो मतलब किसी को फॉरेन जाना है, हाँ, तो फिर इधर से देखे कि कौन से साइड के नेशन में, कंट्री में जाना है, वेस्टर्न साइड कंट्री में जाना है या ईस्टर्न साइड कंट्री में जाना है, नॉर्थन साइड में जाना है, इसलिए साउथर्न कंट्री में जाना है, तो इस तरीके से आपको, हाँ, उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सिटी में भी तो जरूरी है ना, कौन से सिटी में भी जरूरी है, कहीं कहीं भी आप देख, साउथ में है या नॉर्दर्न, नॉर्थ के सिटी में है या ईस्टर्न है या वेस्टर्न है, वो कहीं पर भी okay. इन चीजों को आप, मतलब इन चीजों को आप लगाइए कुंडली के अंदर, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मतलब ये अष्टक वर्ग का बहुत, जिसे कहते हैं ना कि मतलब मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, भयंकर भयंकर इस्तेमाल है अष्टक वर्ग का जो आप देखोगे। तो सर तो वो शादी के लिए भी तो चलता है, कर लो ना, कर लो, क्या दिक्कत है, शादी के लिए करो ना, पर पूर्व दिशा में शादी करो तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। कोई भी दिशा ले लो आप, जिस दिशा में, मतलब आपका काम, आपको सक्सेस मिलेगा उसके। सब अपनी अपनी में ट्राई करके देख सकते हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं तो सक्सेस मिली नहीं, हाँ, दस ग्यारह घंटे से ज्यादा होना चाहिए बस, काफी है, ठीक है, खा लेंगे, अभी खा लेंगे। अच्छा हाँ, आवाज म्यूट कर लीजिए जरा, म्यूट करके रखिए सब लोग। उसके बाद इससे क्या होता है, दिन का सही भाग मुहूर्त निकालने काम में भी आता है। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग ऑफिस में बैठे होते हैं, सब लोग सर्विस करने वाले हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो हर किसी को अपनी साल के एंड में आके या 6 महीने में एक बार अप्रेजल भरनी होती है। अब आदमी सोचता है यार मैं अप्रेजल कब भरूंगी, उसके लिए कुछ मुहूर्त तो निकाल लें कि कम से कम मेरा जो सीनियर है वो नंबर ठीक ठाक दे दे उसके ऊपर। तो वो अप्रेजल भरने के लिए या अप्रेजल भरने के लिए ले लो, या ये समझिए कि कोई अच्छा काम करने के लिए, कि कोई अच्छा काम करने आप जा रहे हो, कोई शुभ काम करने आप जा रहे हो, तो कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा है। तो बेसिकली मतलब ये मुहूर्त के लिए प्रयोग भी इसका होता है सूर्य कस्टमर का, कि सपोज कीजिए कि आपका, आपने अप्रेजल ही भरनी है, आपने अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ही भरनी है, तो आप ये देखिए कि जो लगन से और चौथे भाव तक के बिंदु होते हैं वो दिन के पहले पहर को दिखाते हैं। पहला पहर मतलब 9 से 11 बजे, आपका ऑफिस नॉर्मली 9 बजे स्टार्ट होता है, किसी का 8:30 से स्टार्ट होता है, तो 9 से 11 का, या अगर 8 से स्टार्ट होता है तो 8 से 11 तक का पहला पहर ले लो, वो आपका पहले पॉइंट, पहले भाव से लेके चौथे भाव तक के जितने बिंदु हैं वो आपके 9 से 11 तक का टाइम दिखाते हैं, 8 से 11 तक का टाइम दिखाते हैं। पंचम से अष्टम भाव तक के जो बिंदु हैं वो आपके 11 से लेकर 2:30 बजे तक का टाइम दिखाते हैं, और नवम से द्वादश भाव तक के जो बिंदु हैं वो 2:30 बजे से 6 बजे तक का टाइम दिखाते हैं। ये 3 टाइम है नॉर्मली ऑफिस टाइम, यही होते हैं कि इस तरह से कर लिया, और अगर मान लिया आपका नाइट शिफ्ट है तो इन 3 पहर को आप उस नाइट शिफ्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से 2.5 घंटे करके आप टोटल 8 घंटे को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं।
अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, उसको देख लीजिए। अब अगर क्या है कि लग्न का जो ये पहला पहर है, अब ये 9 से 11 के बीच में, ये तो खैर अप्रेजल के लिए था, लेकिन मैं इसी मुहूर्त के लिए बोल रहा हूँ। मुहूर्त के लिए तो आप रात को नाइट शिफ्ट में तो निकलोगे नहीं, दिन में ही कहीं मुहूर्त के लिए निकलोगे। तो 9 से 11 के बीच में आप देखते हो कि यार मुझे अपनी अप्रेजल भरवानी है, अब मैं अपनी अप्रेजल भर देता हूँ, बॉस के पास लेके जाता हूँ, तो बॉस जो है मेरी पॉइंट ठीक दे देगा। तो आपने क्या करा कि लगन से चौथे भाव तक के बिंदु देख लिए कि कितने हैं, फिर आपने कुंडली में पंचम से अष्टम भाव तक के बिंदु देख लिए कितने हैं, फिर कुंडली में नवम से द्वादश भाव तक के बिंदु देख लिए कितने हैं। आप ये देखिए बिंदु आपके कहाँ ज्यादा आ रहे हैं, लगन से चौथे भाव में बिंदु ज्यादा आ रहे हैं, पंचम से अष्टम भाव में बिंदु ज्यादा आ रहे हैं, या नवम से द्वादश भाव में बिंदु ज्यादा आ रहे हैं। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बिंदु ज्यादा कहाँ है। आपने देखा कि मेरे बिंदु तो पंचम से अष्टम भाव में ज्यादा आ रहे हैं, तो भैया 11 बजे अपनी अप्रेजल, 11 से 2:30 के बीच में अपनी अप्रेजल लेके जाओ अपने बॉस के पास कि सर मेरी अप्रेजल है, या उसको पुटअप कर दो कि सर मैं अपनी अप्रेजल दे रहा हूँ, तो वो देखेगा तो अच्छा मुहूर्त हो गया आपको पुटअप करने का। ये मतलब ये होता है, और हमने बड़ी बड़ी पोजिशन के लिए भी पुटअप कराया है सूर्य का अस्त देख के। मतलब जिस जगह में हूँ उस जगह पे हमारे एक डायरेक्टर पर्सनल थे, उन्होंने एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए चेयरमैन के लिए वैकेंसी अप्लाई करी, तो उनको वैकेंसी अप्लाई करते वक्त हमने उनको सूर्य का अष्टवर्त देखा, और हमने उनको बताया कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में एप्लीकेशन जाती है उसकी, तो मिनिस्ट्री में ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप इस समय के बीच में अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करो, आपको श्योर एंड सर्टेन कॉल आएगा, क्योंकि उसमें कॉल आना ही बहुत बड़ी बात होती है। सिलेक्शन होना तो बहुत अलग चीज होती है, बहुत लोग अप्लाई करते हैं लेकिन कॉल आना ही बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने उसी टाइम के बीच में अप्लाई किया, उनका पहला पहर ही आया था, तो हमने उनसे कहा कि 9 से 11 के बीच में अप्लाई कर दो आप। उनका ऑफिस आने की टाइम रहता था 10:30, 11 बजे का। हमने कहा जैसा मर्जी सर, इस दिन आ जाओ, बाकी इस दिन अप्लाई कर दो आप, और दिन कल आना लेट, लेकिन आज लेट मत आओ। वो स्पेसिफिकली आए बात सुन के, और उन्होंने अप्लाई किया और उनका शॉर्टलिस्टिंग हुई और उनका इंटरव्यू आया। तो कहने का मतलब ये है, चलिए जैसा भी मान लीजिए आप इसको, कोइंसिडेंस समझ लीजिए या जो समझ लीजिए, लेकिन ये होता है कि इस चीज का फर्क है कि इस तरीके से आप अपना मुहूर्त को डिसाइड कर सकते हैं, आप अपनी किसी भी चीज को डिवाइड कर सकते हैं, सूर्य के अस्त से डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हम सूर्य के अस्त से इस चीज को कुंडली में देखें, दिन का कौन सा भाग धागा मारा है। अच्छा बोलिए। हाँ, बोलो। ये गवर्नमेंट का था इसलिए आपने सूर्य का लिया, या किसी भी कार्य के लिए? नहीं, किसी भी कार्य के लिए। ये तो मैं कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी हो, नहीं, 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 हाँ। वर्क रिलेटेड नहीं। आपने जो मुहूर्त बोला, तो मुहूर्त हाँ। तो किसी भी काम के लिए, जैसे शादी किसी भी काम के लिए, या शादी के लिए जो लड़की देखने जाना है, या कुछ भी, मतलब कुछ भी, कोई भी काम हो आपका, हो मतलब आप चाहते हैं कि ये काम थोड़ा आपका सक्सेसफुल रहे, आपका काम सफलता से रहे, तो आप मतलब ये टाइमिंग्स हैं जिन टाइमिंग के अंदर आप चाहो। लेकिन ये टाइमिंग तो दिन के है। अब जैसे हाँ। जैसे किसी लड़का लड़की के लिए मिलना है उनको हाँ। तो वो तो शाम को भी हो सकता है हाँ। तो ये तो 6 बजे के बाद भी हो सकता हाँ। है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि इसलिए ये जो पॉइंट है, ऑल्दो इसको आप रात के पहर में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप रात के पहर में डिवाइड कर लो, लेकिन नॉर्मली रात के पहर में हम लोग इसे डिवाइड नहीं करते, क्योंकि हम लोग इसे ऑफिस रिलेटेड वर्क से ज्यादा जोड़ते हैं हाँ, तो इसलिए इसको दिन का पहर ही लेते हैं कि दिन में इन लोगों की नॉर्मल ड्यूटी जो होती है, जनरल ड्यूटी जो होती है, वो 8:30 से 5 के बीच में या 8 से 6 के बीच में होती है। तो नॉर्मली अप्रेजल भरना हो या ऐसा मुहूर्त कोई अच्छा काम करना हो, अब ठीक है लड़का लड़की देखने जाते हैं तो रात को भी हो जाता है कई बार, बात जनरली शाम को ही होता है, जनरली शाम को होता है, दिन में भी होता है, लड़का लड़की देखने जाते हैं तो दिन के अंदर भी होता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर दिन में अच्छे पॉइंट आ रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता होना चाहिए, यहाँ पे बात बननी चाहिए, तो उस हिसाब से लड़का लड़की देखाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुहूर्त में। तो आप कई बार ठीक है भाई, हम लोग तो आपके यहाँ 2:30 या 2 बजे करीब आएंगे, लंच के बाद आएंगे, आपके लड़का देखेंगे, लड़की देखेंगे, तो आपका थोड़ा अच्छा वो रहेगा, 6 बजे तक आइए। मतलब ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है, दिन के पहर सारे ये 3 पहर उन्होंने दिए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको कि रात के पहर को भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन दिन का पहर है तो लेट अस स्ट्रिक्ट टू द दिन। लेकिन 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 इसमें दूसरी चीज है, किसी को बाहर जाना है, फॉरेन जाना है हाँ, तो वो तो फ्लाइट अपने इस टाइम में, शाम की फ्लाइट है, रात की फ्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है हाँ, उसके लिए चंद्रमा, उसके अलग मुहूर्त आएंगे, उसके लिए चंद्रमा का मुहूर्त है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। ओके ओके ठीक, वो सब चीजें आएंगी, उसके लिए चंद्रमा से मुहूर्त निकालते हैं, वो सब चीजें आपको बताएंगे। ओके, तो ये मतलब चंद्रमा से भी मुहूर्त निकालते हैं, सूर्य से भी मुहूर्त निकालते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मुहूर्त निकालने के तरीके हैं कि कैसे आप मुहूर्त निकाल के चीजों को देख सकते हो,
जहां तो सर शादी के लिए में भी गुरु और वीनस भी हो सकता है, गुरु और वीनस का देख लो आप। यहाँ पे सूर्य का आपको अच्छा लग रहा है कि भाई मेरी अप्रेजल भरनी है मैंने, या मैंने बॉस के पास जाना है, तो ठीक है यार कब जाऊं उनसे मिलने के लिए, कब मीटिंग फिक्स करूं मैं अपनी, कि मीटिंग कोई जॉइंट वेंचर आप कंपनी करना चाह रही है आपकी किसी के साथ, आप मीटिंग फिक्स करना चाह रहे हैं दिन में, तो कब मीटिंग फिक्स करूं कि यार हमारी कंपनी का जॉइंट वेंचर बन जाए, तो ठीक है ऐसे टाइम फिक्स कर लेते हैं मीटिंग 11 से 2 के बीच में फिक्स कर लेते हैं, तो बातें हमारी अच्छी हो जाए। तो ये इस तरीके से चीजें आपको निकालने में काम आती है, अगर आपको मालूम रहेगा कि ऐसा हमारे पास टूल है निकालने के, तो ये उस चीज में काम आते हैं सारे। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान रखिए कि मुहूर्त में एक चीज इसके अंदर और है। अब जैसे आपने पूछा था, हाँ अनुपम ने पूछा था इसके अंदर कि दशा वाला तो फिक्स हो गया, वो तो फिक्स हो गया, मुहूर्त के लिए भी आपको इसका सूर्य का उपयोग आप कर सकते हैं, गुरु का उपयोग भी है। विवाह में कैसे उपयोग करते हैं, देखिए जिस महीने सूर्य जिस राशि में विचरण करे, मान लिया आपने किसी ने विवाह फिक्स कर दिया कि जी मैं फरवरी में शादी करना चाह रहा हूं या मार्च में शादी करना चाह रहा हूं, तो आप चेक कर लीजिए कि सूर्य मार्च के महीने में किस राशि में होगा, और उस राशि में अष्टक वर्ग में आपके, चूंकि आप कर रहे हैं इस चीज को, हर किसी के लिए नहीं है एप्लीकेबल, ये जिसकी कुंडली है जिसका अष्टक वर्ग है उसके लिए, उससे घर वालों के लिए है, तो अगर 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो आप कहें कि हाँ भाई ठीक है विवाह अन्य शुभ कार्यों के लिए ये समय ठीक है, बिल्कुल इस समय शादी पक्की कर देते हैं, आराम से काम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब दिस इज वन ऑफ द टूल के आप शादी का यहाँ से देख सकते हैं, इसके अलावा और गुरु से उनसे हैं देखने के लिए, वो आपको आगे आएंगे, लेकिन मुहूर्त में सूर्य के अष्टक वर्ग से भी आप देख सकते हैं कि विवाह के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा, जैसे आप बोल रहे थे क्या नाम है अभी देसाई साहब, कि कहीं आप दूर जा रहे हैं फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं आप, तो आप देख लीजिए कि जब आप फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं यात्रा कर रहे हैं, तो जिस राशि में सूर्य विचरण कर रहा है उस राशि में 5 पॉइंट आपके अष्टक वर्ग में है या नहीं है तो बहुत अच्छा है, या तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर 5 पॉइंट मिल जाते हैं आपको, 5 या 5 से अधिक मिल जाते हैं, तो इट्स वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खूब धड़ल्ले से जाइए। धार्मिक कार्य करते हैं, कोई कल्याणकारी कार्य करते हैं, पुण्य काम करना चाहते हैं, तो देख लीजिए कि सूर्य जिस राशि में विचरण कर रहा है उसमें 5 या उससे अधिक पॉइंट है। हाँ अगर 0.3 या 3 से कम हो जाए या उससे कम हो जाए तो जरूर आपको एक सेकंड थॉट देना चाहिए कि भाई मैं ये काम करूं या ना करूं। फिर उसके लिए आपको दूसरे मुहूर्त पे जाना पड़ेगा, आप तिथि का मुहूर्त देखिए, वो तो मुहूर्त कई तरह के मुहूर्त होते हैं, वो सब चीज देखिए। ये मोटा मोटा मुहूर्त है जो आपने एक बार चेक कर लिया कि यार मेरे सूर्य का स्तर रस्सी मुझे मालूम चल रहा है कि ये तो मामला ठीक नहीं है, तो इफ यू कैन अवॉइड अवॉइड कर लो। अगर अवॉइड कर ही नहीं सकते, भाई आपने फ्लाइट पकड़नी है, जाना ही जाना है, तो ठीक है आप चंद्रमा का गोचर देख लो कि चंद्रमा 4-8-12 में ना हो। आप वो कह रहे हो जी चंद्रमा गोचर भी जाए जैसे मर्जी हो, मुझे तो जाना ही जाना है, मेरी तो मीटिंग है, मैं तो जैसे मर्जी जाऊंगा उसके अंदर, तो उसके लिए फिर कोई तिथि और ऐसे पल का है हिसाब किताब जो आदमी कर लेता है, तो पंडितों ने ब्राह्मणों ने ऐसी चीजें बहुत बनाई हुई हैं कि कुछ ना कुछ आपका निकल आता है, लेकिन मोटा मोटा देखने के लिए ये तरीका है। इस तरीके से देखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ये निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं। अजय जी समझ में आया ये? हाँ सर समझ में आ रहा है सर। हेमलता सर, तो ये सूर्य का हमारा था यहां तक जो भी था, इसका और क्या यूज है? अच्छा ठीक है, एक पॉइंट है, हालांकि वो शास्त्रों में मिला है लेकिन उस पॉइंट को हम लोगों ने इतना ज्यादा सक्सेसफुल पाया नहीं है कुंडलियों पे, इसलिए इस पॉइंट पे आप ज्यादा ध्यान मत दें। ये कहता है कि सूर्य के 5, 6, 7 और 8 बिंदु हों और वो केंद्रीय त्रिकोण में स्थित हो, सूर्य केंद्र त्रिकोण में हो किसी कुंडली में, और 5 या 6 या 7 या 8 पॉइंट, मतलब 5 या उससे ज्यादा पॉइंट के साथ हो, तो जातक के पिता की मृत्यु उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन इसमें कष्ट बोला गया है कि जातक के पिता को कष्ट होता है उसकी 22वें साल में, उसके 35वें साल में, उसके 36वें साल में वो कष्ट होता है जातक के, यानी किसी जातक का, मान लिया किसी एक्स पर्सन का केंद्र में सूर्य बैठा हुआ है या त्रिकोण में सूर्य बैठा हुआ है, और जिस राशि में सूर्य बैठा हुआ है केंद्र त्रिकोण में उसमें 5 या 5 से अधिक पॉइंट हैं, तो वो ध्यान रखे अपने फादर का कि जब वो 22 साल का हो जाएगा या जब वो 35 साल का हो जाएगा या जब वो 36 साल का हो जाएगा तो फादर को थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है,
ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ये कितना सटीक बैठता है, कुछ लोगों ने लगाया है, बैठा है, आप भी कभी कहीं इसको ला के देखिए कि कहीं ऐसी चीज ऐसी हुई हो तो अपनी अपनी कुंडली में चेक कीजिए या अपने जानने वालों की कुंडली में चेक कीजिए, तो आपको इसकी यथार्थता, इसकी सत्यता मालूम चल जाएगी। दूसरा कॉस्ट मतलब हेल्थ रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड या किसी भी तरह का cost? किसी भी तरह का कॉस्ट, हेल्थ रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट उनको, ओके ओके ठीक है। इस जब आप इस उम्र के होंगे, जब आप 22 के होंगे या जब आप 30 से होंगे या 35 से होंगे या 36 से होंगे, तब आपके फादर को ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका सूर्य केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हो और 5 बिंदु ज्यादा हो। जबकि बड़े अजीब बात है ये, देखिए 5 बिंदु ज्यादा होना तो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन यहाँ पर शास्त्रों में एक ये एक्सेप्शन दिया हुआ है कि यही पर एक ऐसा है कि ग्रेटर देन 5 बिंदु हो, 5 से कम हो तो इतना नुकसान नहीं है, 5 से ज्यादा हो तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। आल्दो यही पर ही एक्सेप्शन है और कहीं एक्सेप्शन नहीं है, और जगह तो 5 से अधिक हो या 5 हो तो बहुत बढ़िया नंबर रहते हैं, वो होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी ने अपने घर में कोई शिव जी की मूर्ति रखवानी है या आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई कार्य करना है तो सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में, जो हमने पीछे देखी है, जिस राशि में अधिकतम बिंदु है, आप सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग चेक कीजिए कि किस राशि में अधिकतम बिंदु है, किसी एक राशि के अंदर किस राशि में मैक्सिमम बिंदु है। तो जिस राशि में मैक्सिमम बिंदु हो, किसी में होता है 7 बिंदु, किसी में 8 बिंदु हो, ऐसा हो सकता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कुंडली में देख लेते हैं किस राशि में मैक्सिमम पॉइंट है, देखिए 6 पॉइंट है मैक्सिमम, 7 हाँ 7 पॉइंट है कन्या राशि में, कन्या राशि में तो जो कन्या राशि की दिशा है, यानी जो 2, 6, 10 की हमने दिशा बताई है आपको, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा तो 1, 5, 9, 2, 6, 10 दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा में अगर अपना ये शिवलिंग या शिव की मूर्ति एस्टेब्लिश करते हैं तो इनके लिए बहुत सुखद रहती है, बहुत फायदेमंद है। सर, वापिस से उस कुंडली में जाएंगे सर, अभी जो इसी कुंडली में, अगर इसमें सर पहले वाला रूल देखें जो आपने पिताजी वाला बताया था, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर इसमें सूर्य 1 नंबर राशि में होता तो यहाँ पे भी तो त्रिकोण में तो है ही है, तो वो केंद्र और त्रिकोण में भी होता और उसका अंक भी 6 होते, तो फिर वो रूल अप्लाई हो जाता, राइट, फिर वो रूल अप्लाई हो जाता। अब सूर्य चूंकि इनका त्रिकोण में तो है, लेकिन 5 पॉइंट से ऊपर है, 2 है, इसलिए 2 पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर वो चीज अप्लाई नहीं होती। आगे हम लोग एक लाइव कुंडली लेंगे, हमने अपने वन ऑफ द पार्टिसिपेंट से ही बात करी है कि उन्हीं की कुंडली हम इसके अंदर लेंगे, मिकाल से शायद आकांक्षा जी आज आई नहीं है, उन्हीं से बात करी है, तो उनके उन्होंने कहा है कि हाँ सर मेरी कुंडली ले लीजिए, तो उसी कुंडली से हम लोग सब चीज बनाना सीखेंगे आगे। आप मेरी भी ले सकते हैं, आप ही कुंडली भी ले लेंगे, तो 2 कुंडली हम लोग ले सकते हैं, ऐसे करके हम लोग बनाना सीखेंगे ताकि सब चीजों का मालूम चल जाए, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी एक कुंडली से बनाना सीखेंगे तो हर आदमी अपनी अपनी कुंडली पे लगाइए, और नेक्स्ट डे जब क्लास होती है उसमें लेकर आई है कि जी हमारी कुंडली पे हमने लगाया और हमें इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है इस चीज से। अभी तो बहुत चीज आएगी, ये तो बहुत सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसमें बहुत चीजें आएंगी तो आपको काफी इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इसके अंदर आपको बताया कि सूर्य के अष्टक वर्ग में ये सब चीजें देखनी है। हाँ, तो विवाह आदि शुभ कार्य हो, दूरस्थ स्थानों की यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो, धार्मिक और कल्याणकारी कार्य हो, पुण्य कार्य हो, किसी भी नए शुभ कार्य के आरंभ के लिए अगर आप जा रहे हैं तो चेक कर लीजिए कि सूर्य जिस राशि में है उसके अष्टक वर्ग में 5 से अधिक बिंदु हो तो वो शुभ हो। सर एक क्वेश्चन, 3 से कम, हाँ पूछो। सर जैसे सूर्य का देखना है और सूर्य की दशा चल रही है, हाँ, और उसमें अष्टक वर्ग के हिसाब से तो हमें अच्छे नंबर मिल रहे हैं, हाँ, गोचर के हिसाब से और अष्टक वर्ग के हिसाब से बिल्कुल प्रेफरेबल है, लेकिन दशा एक्सिस उसका खराब है सपोज, तो फिर प्रेफरेंस मतलब इसको तारतम्य में बिठाना पड़ेगा या दशा एक्सिस सुपरसीड करेगा? नहीं देखिए, तारतम्य बिठाना पड़ेगा आपको, आपको तारतम्य ये बिठाना पड़ेगा कि जो रिजल्ट आपको गलत मिलते या जो रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलते थे अब वो आपको उतने बुरे नहीं मिलेंगे, 20% बेटर हो जाएंगे, 20% बेटर हो जाएंगे, मतलब आप परसेंटेज एक लगा लीजिए उसके अंदर कि भाई 20-30% बेटर हो जाएंगे। सपोज कीजिए सूर्य की दशा आपकी छठे भाव में सूर्य बैठा है, उसकी दशा चल रही है आपको, तो आपको बिल्कुल आपकी ऐसी की तैसी होनी है। अब ये गोचर में सही चल गया, यहाँ पर पॉइंट बहुत बढ़िया मिल गया, जिस राशि में सूर्य है वहां 6 पॉइंट मिले हैं, तो उस महीने आपकी ऐसी तैसी नहीं होगी। सूर्य तो 1 महीने की राशि में रहेगा ना, होनी तो है, उस महीने नहीं होगी, तो नेक्स्ट महीने अगर किसी राशि में चला गया अगर वहां पॉइंट कम है तो वहां पर होगी, ठीक है, तो उस महीने आपको सेव कर लेगा कि भाई ठीक है इस महीने नहीं करो,
इसमें गोचर बहुत बढ़िया है, सूर्य प्रसन्न है बहुत ज्यादा, तो इसकी इसे प्रॉब्लम क्रिएट मत कराओ ज्यादा, तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये सूर्य का ऐसे अष्टक वर्ग हमारा था जो हम लोगों ने पढ़ा, और यहां तक इसमें किसी को समझ आया हो तो बोलिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से आप लोग टेबल बना के लाएंगे और इसी कुंडली से, ये कुंडली आपको सुबह पहुंच जाएगी। हम अपनी कुंडली से बना ले तो अच्छा रहेगा ना सर? अपनी कुंडली से बना लीजिए, अपनी कुंडली से बना लीजिए, तो वो हमारे पास रेडी रैकनर जैसा रहेगा। तो वो आप रेडी रैकनर रखिए, एक कॉपी रखिए, उस कॉपी में अष्टक वर्ग सब जगह बना लीजिए, या आठ पेज रख लीजिए, आठ पेज A4 साइज के, उन पर शीट बना लीजिए आठ पेजों की, और अपना अष्टक वर्ग डिजाइन कर लीजिए, सूर्य का अष्टक वर्ग, चंद्रमा का अष्टक वर्ग, मंगल का अष्टक वर्ग डिजाइन कर लीजिए, और इस तरीके से डिजाइन करके, और अपने सब नंबर अपने पास रखिए, काउंट अपने पास रखिए, ताकि हम हर अष्टक वर्ग से लेके जब प्रेजेंट वो बताएंगे उसका कि क्या प्रोडिक्शन इससे लेंगे हम लोग, तो आपको आइडिया रहेगा कि कैसे हम लोग इससे चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। ओके अच्छा हाँ, अभी एक छोटा सा हम लोग और देख लेते हैं, 5-10 मिनट टाइम है अभी, जरा कहीं जाना था लेकिन फिर भी चलिए इसमें देख लेते हैं कितना है। अच्छा ये तो हमने आपको दिखा दिया, ये दिखा दिया, तो ये बता दिया कि सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में जिस राशि में अधिकतम बिंदु हो उस राशि में, उस राशि की दिशा में आप आध्यात्मिक प्रगति के लिए शिव की मूर्ति स्थापित करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है सर। लेकिन ऐसा कहा गया है कि भगवान की मूर्ति या जो भी मतलब ईशान कोण में या इन चीज में करा जाए, हाँ, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ये कर सकता है, लेकिन ये अष्टक वर्ग के हिसाब से यही है शास्त्र के अंदर। अच्छा, शास्त्रों में अष्टक वर्ग में यही लिखा हुआ है कि ये पट देखिए, ईशान कोण अगर बोलते हैं तो वो तो सबके लिए, ये जो है ये अपने अष्टक वर्ग के लिए। तो सर इसमें गृह स्वामी की देखते हैं या क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों का अलग होगा तो झगड़ा हो जाएगा कि इस दिशा में नहीं, इस दिशा yes, में। बस बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो किसकी तो आपको देखना है, तो इसलिए अच्छा ये है कि ईशान कोण में मूर्ति लगा लो, झगड़ा ना पड़े, जहाँ मूर्ति लगती है सही सेफ जगह। वैसे भी ईशान ही ज्यादा रिजल्ट देने वाली दिशा है, मतलब वास्तु के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से वही रिजल्ट देने वाली प्लेस है, वही करना चाहिए। लेकिन मतलब ये है कि जैसे कोई आदमी अब अकेला है, अब दोनों मियावी भी नहीं है, अब दोनों भगवान शिव के पुजारी हैं, अब उसने भी शिव की मूर्ति उधर लगनी है, उसके हिसाब से दक्षिण में लगनी है, तो वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। या फिर दो लगानी पड़ेगी या फिर ये है कि भाई वो शिव की पुजारी ना हो गए, वो विष्णु जी की पुजारी है, तो चलो ठीक है, मैंने शिव जी की पूजा मूर्ति यहाँ लगा ली, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये एक शास्त्र में बताया गया है कि किस दिशा में आपको मूर्ति लगानी। सर ये तो इसके अंदर तो फिर दोनों चीजें और कंबाइन कर सकते हैं ना, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना इष्ट कौन है, हाँ किसके इष्ट कौन है। दूसरा फिर ईशान कोण में अगर रखना है, मान लिया जाए कि उनकी दक्षिण यू नो दिशा में अगर रखें तो बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। तो वो जैसे दक्षिणामूर्ति होती है, मतलब उनका जो मुख है भगवान का दक्षिण की तरफ हो जाएगा। हाँ। चाहे होंगे ईशान कोण में, तो ऐसे तो मतलब बहुत सारे अच्छे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें। हाँ बन सकते हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ईशान कोण में भी रहकर दक्षिण की तरफ को उनका वो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके घर पर तो मतलब ईशान कोण में रखना, ये बात तो सही है उनकी बिल्कुल, की वास्तु के हिसाब से वो बेस्ट होता है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर इसको और एनहांस करना है, उसी चीज से और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना है, तो काफी चीजें कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, मतलब ये इस चीज से आपको और एडिशनल टूल है, ये सारी एडिशनल सपोर्ट इससे आपको और मिलती है कि आप क्या कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो ये हमारा सूर्य का अष्टक वर्ग था। अब आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास में चंद्रमा, मेरे ख्याल से सब लोग सारे अष्टक वर्ग तैयार कर लेंगे, कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें कुछ बाकी तो नहीं है ना सर? नहीं, सूर्य में कोई बाकी नहीं है, अब चंद्र का प्रसारक वर्ग आएगा। हाँ मतलब तो, ओके हाँ, सूर्य में कोई बाकी नहीं है, फिर चंद्रमा में आएगा, फिर मंगल में आएगा, फिर बुध में आएगा, उन सबके चलेंगे, फिर सर्वाष्टक वर्ग आएगा, फिर उनकी प्रेडिक्शन चलेगी, फिर इनसे सूर्य से चंद्रमा से मंगल से इनके अष्टक वर्गों से डिफरेंट डिफरेंट शोध पिंड वगैरह बनेंगे, उनसे प्रेडिक्शन चलेगी, वो सब अलग आएगा। अभी अभी तो केवल सिंपल सिंपल चीजें मैंने आपको बतानी स्टार्ट करी हैं। तो आप लोग सब अष्टक वर्ग बना के लाइए। आपने जो टेबल बनाया था वैसा हमारे कुंडली से, वो टेबल और वो कुंडली दोनों बना दे। हाँ टेबल और कुंडली दोनों बना के आप आइए। और केवल सूर्य का नहीं, सूर्य का नहीं, सूर्य क्योंकि मैं चंद्रमा का पढ़ाऊंगा आपको फटाफट, तो आप अपनी कुंडली में फटाफट देख सकते हो यार मेरी कुंडली में क्या हिसाब किताब है। ठीक, आपके पास अगर आपका चार्ट होगा बना हुआ चंद्रमा का, तो आप ये चेक कर सकते हो, मैं चंद्रमा का आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई मेरे चंद्रमा में क्या
चीजें आ रही हैं, मेरे चंद्रमा किस किस राशि में कितने पॉइंट दे रहा है, तो हर किसी का एक भिन्नाष्टक वर्ग और एक वो वर्ग बना के रखो। फैमिली मेंबर का बन गया तो अच्छा रहेगा ना, हम देख सकते हैं ना, जैसे अभी बिल्कुल शिव जी की मूर्ति वाली बात आ गई तो पता चले वाइफ के साथ कैसा सेट रहेगा। हाँ हाँ हाँ, है ना। अभी तो अभी सब तो बहुत चीजें आएंगी, मतलब इसमें ये भी आएगा अभी कि गृह जीवन कैसे बच्चा बिताएं, कैसे करें, वाइफ से झगड़ा कम से कम हो, उसके लिए भी अष्टक वर्ग का इस्तेमाल होता है, वो आगे आएगा, सब चीजें आएंगी। इम्पोर्टेंट, बहुत यूजफुल है इससे। सर डिवोर्स के लिए भी या वैसे भी इसको देखा जाता है? हाँ, सब सब मैरिज के लिए भी, डिवोर्स के लिए भी, हर चीज के लिए देखा जाएगा, मृत्यु के लिए भी, हाँ सब चीज के लिए देखा जाएगा, वो सब चीज बताएंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और तो आपको करना ये है, आपका होमवर्क ये है कि आपको दो तरह की चीजें बनानी है, आपको टोटल मिला के 16 पेज बनाने हैं, ठीक है। शर्मा जी रेडी हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेडी हूँ सर। हाँ, एक पेज जैसे सूर्य का ये वाला पेज बनाया आपने, एक तो ये पेज बना लिया, दूसरा पेज सूर्य का बनाएंगे आप ये वाला, इसके हिसाब से जो आपकी कुंडली है, जहां जहां ग्रह बैठे हैं उसके हिसाब से पॉइंट रखेंगे आप। ठीक, कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो अभी भी पूछ लो। अभी तो आ रही है सर, कल रिकॉर्डिंग दोबारा सुनेंगे फिर उस पर थोड़ा सा और ढंग से समझेंगे। ये जो सेकंड कुंडली है, जो भिन्नाष्टक वर्ग है, ये प्रस्थाराष्टक वर्ग है, और जो सेकंड वाला है ये भिन्नाष्टक वर्ग है। ये भिन्नाष्टक वर्ग प्रस्थाराष्टक वर्ग से ही निकला है। फर्क कितना है कि सूर्य ने टोटल में ला के मेष राशि में 6 पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे मेष में 6 पॉइंट दिए हैं, हमने सूर्य कुंडली में जहां आपकी लिखा हुआ है, मेष राशि जहां लिखी हुई है वहां पे 6 पॉइंट लिख दिए। ठीक है, सूर्य के अष्टक वर्ग में, यानी सूर्य के अष्टक वर्ग में सूर्य ने मेष राशि में 6 पॉइंट दिए, तो वहां 6 पॉइंट लिख दिए। जहां पे 5 पॉइंट दे रखे होंगे जिस राशि में, वहां 5 पॉइंट लिख देना, जहां 4 दिए होंगे वहां 4 पॉइंट लिख देना। तो 8 अष्टक वर्ग बना देंगे 8 कुंडली के हिसाब से। 8 कुंडली के साथ 8 अष्टक वर्ग आपके बन जाएंगे, तो वो बना के आप रखिए, वो आपका पूरे अष्टक वर्ग की क्लास के अंदर चलेगा। फिर बाद में मैं सर्वाष्टक वर्ग बनवाऊंगा उसी वर्ग से आपका, वो बाद में बनवाऊंगा मैं, तो वही आपका पूरी क्लास में चलेगा, और आपको देख के बहुत बहुत हैरानी करने वाली चीजें आपके सामने सामने आएंगी निकल के। ठीक है जी, तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। मैं तो यहाँ कुंडली बना के दिखा दूंगा, लेकिन आप सोचते रहोगे यार मेरी कुंडली में क्या है, मेरी कुंडली में क्या है, तो अच्छा है कि आपकी कुंडली भी हाथों हाथ रहेगी ना, क्योंकि इसमें ज्यादा हिसाब किताब नहीं है। देखिए इसके अंदर मैथ्स बहुत ज्यादा हाईएस्ट क्लास का नहीं चाहिए, 8वीं 10वीं तक का मैथ्स पढ़ा हो, 10वीं तक का मैथ्स पढ़ा हो तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे नक्षत्रों का गोचर जब पढ़ते हैं तब थोड़ा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। 10th क्लास तक का भी कोई बच्चा हो मैथ्स पढ़ा हुआ तो उसको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, आराम से कर लेगा इस चीज को। तो ये थोड़ा करके रखिए और बना के इस टेबल को रखिए, इस टेबल को बनाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी टेबल से, आप अपनी कुंडली से क्या क्या चीजें देख पा रहे हैं और कितनी चीजें देख पा रहे हैं जो आपने कभी सोची नहीं। नक्षत्र का रोल भी आएगा सर इसमें? नक्षत्र का रोल भी आएगा, रोल ऑफ नक्षत्र मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर, वो भी आएगा इसका, वो काफी बड़ा रोल है उसका, वो सब चीजें दशा अंतर दशा प्रेडिक्शन में बहुत रोल आएगा इसका, वो मैं आपको बताऊंगा सब चीजें। कोई बात, टॉपिक क्योंकि इसमें टॉपिक में आपको वैसे बताऊंगा ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर हो ना, अगर एक भी चीज आपकी क्लियर नहीं हुई ना तो आप भटक जाओगे बिल्कुल इसके अंदर, अष्टक वर्ग के अंदर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत यूट्यूब से, थोड़ा बहुत कहीं से कुछ ना कुछ सुना होता है, राशियां मालूम होती हैं, भाव मालूम होते हैं, ये मालूम होता है, तो वहां थोड़ी बहुत चीज अगर आपकी स्लिप भी हो गई तो आप पीछे से ड्रेस कर लेते हो उस चीज को। यहाँ पे अष्टक वर्ग अगर आपने थोड़ा नहीं पढ़ा है शुरू से, किसी ने नहीं देखा है, नहीं स्टडी किया है, तो उसको एकदम स्टडी से बिल्कुल जीरो से याद करके चलना है इस चीज को, ठीक है। ओके ओके सर, तो ये बना के रखिए, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे सैटरडे में यही शाम को 7 बजे। आप लोगों को ये टाइम सबको सूट करता है? हाँ सर, एक सेकंड, परफेक्ट है सर। अरे कपूर साहब मैं सॉरी आपको, मैं याद ही नहीं रहा पूछना, आपको आपको समझ आया सब चीजें? हाँ हाँ बिल्कुल आया सर, फर्स्ट क्लास। कोई प्रॉब्लम तो नहीं कही? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए, सो नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ चलिए, अभी बहुत इंटरेस्ट आएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है अभी तो इब्तिदाए इश्क है, देखिए आगे आगे होता है क्या तो नहीं, नहीं, बहुत बहुत इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर। तो आप लोग सब अपनी बना के रखिएगा, नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलेंगे तब हम लोग चंद्रमा से डिस्कस करेंगे और मंगल बुध आगे हम लोग प्रेडिक्शन पढ़ते जाएंगे, आपके पास अष्टक वर्ग रेडी होगा, ठीक है। ठीक है सर, आज विदा लेते हैं, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते।